हाय गाइस, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? जब किसी मेटल से बने इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना होता है तो उसे हम किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करने के बाद हम उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो जिस रेफरेंस इलेक्ट्रोड का हम यूज़ करते हैं वहाँ पे इस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है, जिसे हम नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है वो वास्तव में इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इसके अंदर एक वेसल होती है, वेसल के अंदर 1 मोल HCl का सॉल्यूशन भरा होता है। इस सॉल्यूशन के अंदर एक कांच की नली डूबी हुई रहती है। इस नली के अंदर एक प्लेटिनम के वायर की हेल्प से एक प्लेटिनम की फॉइल को, प्लेटिनम की जाली को इसके अंदर लगा दिया जाता है। इस प्लेटिनम की जाली को घेरे हुए एक और ग्लास जैकेट होता है, जो जिसमें एक पार्श्व नली साइड ट्यूब लगी हुई होती है। इस साइड ट्यूब के अंदर से प्योर हाइड्रोजन गैस इसमें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर फ्लो किया जाता है। जब इसके अंदर हम हाइड्रोजन गैस फ्लो करते हैं तो कुछ हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम की फॉइल में एब्जॉर्ब हो जाती है, अधिशोषित हो जाती है, और शेष हाइड्रोजन गैस जो होती है वो बबल्स के रूप में बाहर निकल जाती है। कुछ समय पश्चात यहाँ पे फ्लो होने वाले हाइड्रोजन के द्वारा इस प्लेटिनम की फॉइल पर अधिशोषित होने वाले हाइड्रोजन और जो सॉल्यूशन के अंदर इक्विलिब्रियम साम्य स्थापित हो जाता है, और इस कंडीशन में यह इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, यह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोथ एनोड एंड कैथोड दोनों के समान रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड के समान ये काम करता है। रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड होता है ये। इसके अंदर जो होने वाली केमिकल रिएक्शन होती है वो इस तरह से होती है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में होती है, उसको जब हम इसके अंदर फ्लो करते हैं तो 2H+ एक्वस सॉल्यूशन में चला जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन उससे निकल जाते हैं। अब यहाँ पे चूंकि ये दोनों रूपों में काम करता है, ये रिवर्सिबल एक प्रोसेस होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। रिवर्सिबल रिएक्शन होने के कारण और ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है ये भी एक रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड होता है। इट मींस ये कैथोड के समान भी काम करता है, ये एनोड के समान भी काम करता है। तो NHe works as an anode, जब ये एनोड के समान काम करता है तो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो H+ और 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके H+ आयन में कन्वर्ट हो जाती है। बट जब यह कैथोड के समान वर्क करती है तो जो H+ आयन होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाफ हाइड्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जब यह एनोड के समान वर्क करता है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, और जब यह कैथोड के समान वर्क करता है तो यहाँ पे रिडक्शन होता है। ऑक्सीकरण एनोड की कंडीशन में जब ऑक्सीकरण होता है तो कैथोड की कंडीशन में अपचयन होता है। जब इसे किसी ये एक हाफ सेल के समान हो जाता है, जब इसे किसी दूसरे हाफ सेल के साथ कनेक्ट किया जाता है जिसके अंदर किसी मेटल का इलेक्ट्रोड लगा हुआ होता है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ होता है, तो उसमें EMF क्रिएट हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रोमोशन फोर्स उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से ज्ञात कर लेते हैं। और वही EMF जो होता है वो किसी दूसरे जो दूसरा इलेक्ट्रोड इसके साथ कनेक्ट होता है उसका EMF होता है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। बिकॉज हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो ऑलवेज 0 माना जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।